नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। बीजेपी सांसद कंगना रनौत की किसानों पर की गई टिप्पणी का मामला थमता नहीं नजर आ रहा है। किसान संगठन कंगना रनौत के बयान को लेकर बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं और लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति संगठन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने कंकरखेड़ा थाने का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी भी की। कंगना रनौत की गिरफ्तारी की मांग की गई और पूरी ना होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली। भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन मलिक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कंकरखेड़ा थाने पहुंचे थे। किसानों ने थाने के बाहर ही ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर डाली और रास्ता जाम कर दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली की वजह से मेन रोड पर भी जाम लग गया। किसान हंगामा करते हुए थाने में दाखिल हो गए, जबकि बाकी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पर ही बैठे रहे और कुछ अन्य किसान थाना परिसर में जमकर नारेबाजी करने लगे। कंगना रनौत को गिरफ्तार करो के नारे लगाए जा रहे थे। किसान बेहद गुस्से में भी नजर आ रहे थे कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन सांसद कंगना रनौत ने किसानों को लेकर फिर भी गलत बयान दे डाला। आपको यहाँ ये बता दे की भाकियू किसान क्रांति संगठन लगातार बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है और कंगना रनौत की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन मलिक ने कहा कि कंगना रनौत ने किसानों को आतंकवादी तक कह डाला और उन पर कई और गंभीर आरोप लगाए। उन्हें किसानों से माफी मांगनी चाहिए और कंगना की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। किसान आर पार की लड़ाई के मोड में नजर आ रहे थे। भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति के लेटर पैड पर शिकायत की है और बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर मुकदमे की मांग कर डाली है। किसानों ने कंकरखेड़ा थाना प्रभारी योगेश शर्मा से बातचीत कर शिकायती पत्र दिया। किसानों ने साफ कह दिया है कि आज तभी घर जाएंगे जब कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, वरना ट्रैक्टर ट्रॉली भी थाने में और बाहर ही खड़ी रहेगी, किसान भी थाने में ही जमे रहेंगे। कंकरखेड़ा थाना पुलिस लगातार किसानों को समझाने में जुटी हुई थी, लेकिन किसान कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग पर अड़े थे और तभी थाने से जाने की बात कह रहे थे। सीओ द्वाराला सुचिता सिंह भी मौके पर पहुंची और किसानों को समझाया कि मुंबई में कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और आप लोगों का शिकायती पत्र भी वहीं भेज दिया जाएगा। ये आश्वासन मिलने के बाद किसान शांत हो गए और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वापस चले गए। किसानों के जाने के बाद पुलिस अधिकारियों और थाने के स्टाफ ने राहत की सांस ली। अब देखना दिलचस्प होगा तमाम राज्यों में जिस तरह से विधानसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव सर पर हैं और ऐसे में कंगना रनौत को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए।